वार्तालाप में शू कौन सी तारीख है? 18 अगस्त इक्कीस अगस्त इक्कीस जनों की बात सही मिली है इनको मिली है मैं सूर वालों को दुलंचे को मिली है कोई और को मिली है मैं सूर वालों को द्वापर के अंत में कितने आबादी होती द्वापर के अंत की आबादी उसी हिसाब से निकालनी पड़े जैसे सत्युग में होता है वैसे द्वापर में होता है जैसे त्रेता में होता है वैसे कलयुग में होता है सत्युग में महाराजा होते हैं द्वापर में भी महाराजा होते हैं त्रेता में सिर्फ राजा ही राजा होते हैं तो कलयुग में भी राजा राजा त्रेता के अंत में राजा ही चत्त हो जाती है तो कलयुग के अंत में भी राजा ही चत्त हो जाती है त्रेता में जिस जिस जन्म में जिसने जो जो पद पाया होगा उसी हिसाब से सब त्रेता में उसी हिसाब से कलयुग में पा देंगे जिन्होंने त्रेता के आज में ऊंच पद पाया होगा वो कलयुग के आज में भी ऊंच पद पा देंगे जिन्होंने अंत में पाया होगा वो अंत में ऊंच पद पा लेंगे जिन्होंने सत्युग के आदि में ऊंच पद पाया होगा वो द्वापर के आदि में ऊंच पद पा लेंगे सत्युग के आदि में कितने ऊंच पद पाया नरसिंह नारायण ने पाया एक नरसिंह प्रिंस बनने वाले ने पाया दो ही ने तो पाया जिनकी पूजा होती है तो द्वापर के आदि में क्या बनते हैं दोनों ऊंच पद वाले होते हैं एक गुरु बनता है और एक उसका चेला बनता है राजा विक्रमादित्य तो ऊंच पद हुआ ना उसी हिसाब से बनता है ऐसा सत्युग के आदि में 2 करोड़ त्रेता के अंत में 8-10 करोड़ तो आबादी कहाँ बढ़ गई आबादी बढ़ गई जिस हिसाब से वहां बड़ी है और जो कारण बना है वो ही कारण वहां लगा दो 200 करोड़ है 200 करोड़ आबादी नहीं होती है द्वापर में द्वापर में ही अगर 200 करोड़ हो जाएगी तो कलयुग के अंत में कितनी हो जाएगी जाके इतनी नहीं हो सकती दुनिया की आबादी वो दोनों ही मिलके अमेरिका तो अभी 500 साल पहले निकली ऑस्ट्रेलिया अभी 300 साल पहले निकली उस समय तो ऑस्ट्रेलिया अमेरिका का नाम निशान भी नहीं था पूरी पृथ्वी फैली कहाँ थी तब द्वापर के आदि में तो जैसे जैसे धर्मों की संख्या बढ़ती जाती है वैसे वैसे दुनिया की आबादी भी बढ़ती जाती है धर्म पिताओं की संख्या बढ़ती जाती है दुनिया की आबादी बढ़ती जाती है तार निकालना पड़ेगा बाबा माना 33 करोड़ हो सकता है द्वापर के अंत में है हर धर्म की आत्मा अंत तक उतरती है अभी भी देवता धर्म की आत्मा उतर रही है अभी भी ऐसे ऐसे परिवार देखे जा रहे हैं जहाँ एक चूल्हे पर रोटी बनती है बड़ा परिवार एक मुखिया के अंदर में पलता है मुखिया ऐसे होता है जैसे अपने घर का राजा उसकी कोई बात टाल नहीं सकता ऐसे ऐसे परिवार की देखने को मिल रहे हैं उसको वाणे में बोला जब बच्चों को बच्चा मिलता है जब शंकर बाप समान निराकार होता है निराकार होने के शिव शंकर भोलेनाथ कहा जाता है शिव का नाम शंकर के साथ जुड़ जाता है तब बच्चों को समान स्थिर हो जाता है तब बच्चों को बच्चा मिलता है ये कब होता है तब होता है जब आप ही तो बता रहे हैं जब शंकर की स्टेज शिव समान बन जाती है निराकारी निर्विकारी निरहंकारी अभी नहीं बना अभी कैसे कहते अभी नरक में बैठे हैं स्वर्ग में बैठे हैं
नरक में, नरक में नरक नरक के बीच में स्वर्ग का वर्षा देता हूँ। तो जब स्वर्ग का वर्षा देगा उस समय तीनों मूर्तियां मौजूद होंगी, सिर्फ एक ही या दो मूर्ति मौजूद होगी? तीनों मूर्तियां प्रत्यक्ष होनी चाहिए संसार के सामने। वर्षा माना स्थूल रूप का होता है, अभी तो बता दिया हद का वर्षा हद के बाप से मिलता है अल्पकाल का, और बेहद का वर्षा बेहद के बाप से मिलता है सदाकाल का, लंबे समय का 2500 साल का। वो वर्षा जो है वो सुख शांति का वर्षा है, वो लौकिक बाप तो थोड़े समय के लिए अल्पकाल के लिए सुख शांति देंगे, करोड़ों दो करोड़ कमा के रख जाएंगे, वो भी कोई जरूरी नहीं कि चोर न चुरा ले जाए डकैत न उठा ले जाए। और ये तो अविनाशी वर्षा देकर के जाता है, अविनाशी बाप है वो बाप, विनाशी होते हैं तो वर्षा भी विनाशी होता है। द्वापर और कलयुग में जो आते हैं उनमें से कितने लोग कन्वर्ट होते हैं? सारे तो कन्वर्ट हो गए, ऊपर से जो आत्माएं आते हैं वो सारे तो कन्वर्ट हुए, तो वो सारे कन्वर्ट करने वाले होते हैं। जो ऊपर से जो आते हैं वो तो कन्वर्टेड ही आते हैं, वो कोई देवी देवता धर्म के थोड़े ही है। नहीं, आने वाले में हाँ कितने लोग अलग अलग धर्म में कन्वर्ट, वो हिंदू भी आते दूसरे धर्म वाले भी आ सकते हैं। सारे ही 33 करोड़ में से सिर्फ थोड़ों को छोड़ करके जो 4.5 लाख है देवी देवता सनातन धर्म की पक्के, उनमें भी दूसरे दूसरे धर्म को छिलके वाले हैं उनको भी छोड़ना पड़े, सारे भी कन्वर्ट होते हैं। जो बीज है वो उस जन्म में कन्वर्ट नहीं होते, वो जाकर के दूसरे धर्म में जन्म ले सकते हैं, तो अगले जन्म में वो भी कन्वर्ट हुए। ऐसा तो कोई नहीं बचता जो इन विरणियों से रावण से प्रभावित वो करके उनकी प्रजा न बन जाए। हाँ, कोई एक दो जन्म के लिए लास्ट में बनेगा और कोई द्वापर युग से ही कन्वर्ट होने लगेंगे, जो कमजोर होंगे वो द्वापर से ही कन्वर्ट होना शुरू हो जाते, ज्यादा पावरफुल होंगे तो अंतिम जन्म में जाके कन्वर्ट होंगे, प्रभावित होंगे, प्रजा बनेंगे। माया किसी को छोड़ने वाली नहीं है, सारी दुनिया पर रावण राज्य हो जाता है, सब पतित बन जाते हैं, सब परवर्त हो जाते हैं, सब 4.5 लाख पर देवताओं को है, 4.5 लाख देवताओं को क्या वो सबको 84 जन्मों का ज्ञान मिलता है क्या? 84 जनों का उनको ज्ञान नहीं मिलेगा तो फिर किसको मिलेगा? वो तो पक्के बीज है, ज्ञान बुद्धि में आना है। हाँ, 84 जन्मों का उनको ज्ञान बुद्धि में आ देगा। हाँ, नहीं तो फिर भगवान के आने पर भी बेवकूफ ही कहे जाए। आत्मा पार्टधारी को रंगमंच पर आकर के अपना पार्टी याद न रहे तो उसको बुद्धिमान कहेंगे, बेवकूफ जब तक एक्टर हो गया। लक्ष्मी जब स्त्री जन्म लेंगी तब शंभु से ही वरण करती है, नहीं तो कुमारी ही रहेगी, पर जब वो पुरुष जन्म लेगी तब उसका जीवन साथी कौन बनता है? वो प्रजापिता स्त्री नहीं बनेगा क्या? नहीं बनेगा, नहीं बनने देगा। बुद्धि और बात आई नहीं, पुरुष जन्म लेने वाला कोई आत्माएं तो ऐसी होंगी जो जन्म जन्म की साथी बनती हैं कि कोई नहीं होंगी। 500-700 करोड़ पत्तों की दुनिया है तो सब पत्ते एक जैसे होते हैं क्या? नहीं, हर तरह की वैरायटी है। तो जो 5 विकारों में अहंकार आती है उसका मतलब क्या है अहंकार? क्योंकि निरहंकारी माना देहाभिमान, आपने बताया अहंकारी बनता है तो देह का मान, पहले आता मैं राजा हूँ,
मैं पवित्र सन्यासी हूँ, अहंकार आता है ना, मैं मिनिस्टर हूँ, मैं इतना ऊंचा ऑफिसर हूँ। तो ये सब देह का अहंकार है कि आत्मा का है? देह का अहंकार है। ये निर्विकार निरहंकार का रूप है। ये निरहंकार का रूप है क्या? अहंकार का रूप है। हाँ जी, अहंकार का रूप, अहंकार का। हाँ जी, लेकिन पांच विकारों में अहंकार आता है ना, वो भी सेम मीनिंग। हाँ जी, हाँ जी, पांच विकारों में अहंकार वो लास्ट। बाबा ये तीन ब्रह्मा विष्णु और शंकर का काम अलग अलग है, है? अलग अलग काम। ब्रह्मा का काम अलग और शंकर का काम अलग, विष्णु का काम अलग। ऐसे 4.5 लाख देवताओं को, देवताओं का काम भी अलग अलग रहता है और एक ही काम होता है। कैसे होगा? जो 8 है 12 है उनमें भी काम अलग अलग बटे हुए हैं। 4.5 लाख को भी, 4.5 लाख तो बहुत बाद की बात है। जो पहले ग्रुप के पहले 12 हैं, पहले ग्रुप के 12 × 9 100 हुए। उनमें जो फर्स्ट ग्रुप है सुनन जी होगा 12 का, उनमें भी कुछ स्थापनाकारी, कुछ पालनाकारी, कुछ विनाशकारी। 8 हैं स्थापना और पालना करने वाले और बाकी 4 हैं नष्टदेव। वो अष्टदेव और वो नष्टदेव। तो फिर जब 12 में ही 3 तरह के हैं तो 4.5 लाख में 3 तरह की नहीं होगी, 3 कैटेगरी नहीं होगी। कोई आत्मा ऐसी बीज है जो ब्रह्मा की तरह पार हो जाने वाली, जिनको अभी कहा अंधे की औलाद अंधे, कोई विष्णु ग्रुप में पार्ट बजाने वाली, पालना का भी सिर्फ पार्ट बजाएंगी, विनाश के काम में भी सहयोग नहीं बनेंगे उतनी। और कोई ऐसी है जो विनाशकारी, आखिरी तत्वों का विनाश कर देंगे। तो धर्म स्थापन का कार्यकर्ता कौन है? ऊपर जाने वाला धर्म पिता या आधार मूर्ति या बीच या तीनों? तीनों, ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों मिलकर के काम करेंगे तब नई दुनिया बनेगी, सनातन धर्म बनेगा। या एक करेगा एक नहीं करेगा, दो करेंगे एक नहीं करेगा तो बन जाएगी? तीनों मूर्तियां चाहिए। लेकिन अलग अलग धर्म का बात, अलग अलग सभी धर्मों की यही बात है। हर धर्म की स्थापना करने वाले, विनाश करने वाले, पालना करने वाले अलग अलग ग्रुप हैं। तो स्वर्णम संगम युग में कला के स्टेज को कितने लोग पाते हैं? केवल बाप या बच्चे भी नंबर वन पाते हैं? था राजा प्रताप मेका में सोमनाथ मंदिर का लिंग ही रखा हुआ है क्या? कहाँ? मेका में, मक्का। हाँ, मक्का में वो संगी अशोध नाम का पत्थर बताया जाता है, तो दीवार में मोहम्मद ने ला कर के रख दिया था। और तब से परंपरा चली आ रही, जब तक उसको सिजदा नहीं करते हैं, चुम्बन नहीं करते हैं, तब तक हज पूरी नहीं मानी जाती। सोमनाथ मंदिर का लिंग नहीं माता जी, 16 हजार तो लेना चाहिए। क्या कलकत्ता कैसेट में एक प्रश्न होता है ना बाबा, 16 हजार में कितने साजिश आएंगे और कितने नहीं आएंगे? वो बात नहीं बताई, ये बताई प्रिंसेस जो 16 हजार होते हैं वो उनकी संख्या त्रेता के अंत तक बनती है। वो पहले जन्म में बने या सत्युग के लास्ट जन्म में बने या त्रेता में बने या त्रेता के अंतिम जन्म में बने? कौन? प्रिंसेस। जो प्रिंसेस की 16 हजार की संख्या है वो त्रेता के अंत में जाकर के पूरी होगी। सत्युग के आदि में 16 हजार प्रिंसेस नहीं बन पाते हैं, वो पहले होते हैं दास दासी। क्या
भी कंचन का वो होंगे पहले दास दासी कंचन काया उनमें से कुछ बनेंगे कुछ नहीं बनेंगे इनको भी शरीर छोड़ना पड़ता है बहुत से हैं जिनको वापस जाना है कितने को शरीर छोड़ना पड़ता है सभी नस्ते नारे में नहीं बनेगा 12,000 में से कितनों को शरीर छोड़ना पड़ता है और कितने कंचन काया बचेंगे बचेंगे क्योंकि एक जन्म कम हो गया तो कन्वर्ट होने वाले आत्मा बन जाएंगे एक जन्म कम हो गया तो कन्वर्ट होने वाले आत्मा और इधर में आत्मा बन जाएंगे कन्वर्ट होने वाले बन जाएंगे वो कम जन्म जो होता है वो तो उनका होता है जो आधार मूल बनते हैं जो 4,500,000 बीज है 4,500,000 जिनकी जनसंख्या है वो कोई कमजोर लेने वाले हैं क्या वो ही नहीं उनसे जन्म लेने वाले जो और 4,500,000 है वो भी पूरे 84,000,000 84 जन्म लेने वाले हैं 16,000 उनके साथ तो जुड़े हुए हैं जब नई दुनिया पूरी स्थापन हो जाएगी तब जनसंख्या दुनिया की कितनी होगी 9,16,108 लेकिन उनमें बहुत से दास दासी होंगे ढेर सारे हजारों की तादाद में दास दासी होंगे पहले जन्म में लेकिन पहले जन्म प्रिंस प्रिंसेस प्रिंस प्रिंसेस बनने वाले सब राधा कृष्ण शुरुआत में सिर्फ प्रिंसेस दो और बाकी सब 16,000 में दास दासी जितने ज्यादा तंग करने वाले होंगे उतने लेट हुए पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे रुलेंगे पिलेंगे बनेंगे खराब पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब तो सचिव का आयु का आबादी 9,16,108 आबादी होगी सत्य आदि की 2036 में बाकी प्रिंस प्रिंसेस की आबादी बताई जो प्रिंसेस का लकब पाने वाले हैं वो त्रेता के अंत में जाकर के बनेंगे सभी आएंगे बाबा इस दुनिया में बहुत सारे वैविध्य जीव जंतु है उनका क्रिएशन किसने किया है कहीं ना कहीं पहले से मनुष्यों का क्रिएशन किसने किया जैसे मनुष्यों का क्रिएशन अनादि अविनाशी है वैसे सब जीव जंतुओं का क्रिएशन अनादि अविनाशी है अपने टाइम पर वो प्रत्यक्ष हो जाते हैं तब तक मर्ज रहते हैं जैसे बीज बोया जाता है अब बीज गेहूं का अभी बो दिया जाए धरने में तो नहीं पैदा होगा जब टाइम आएगा तो पैदा होगा तुम पूरे नास्तिक का रोल दिल्ली पर चलेगी क्या पूरे नास्तिक का रोल रूल दिल्ली पर चलेगी पूरी नास्तिक करूँ मना नास्तिक वाली कम्युनिस्ट सरकार है उसमें पूरा कम्युनिस्ट भी बताया तो है मुरली में कि आगे चल के कोई अंग्रेज को भी राष्ट्रपति के पद में बैठा देंगे नास्तिक धर्म को भी हाँ अंग्रेजों में ही तो नास्तिक धर्म है क्राइस्ट को और बाइबल को मानते हैं और जो नास्तिक वर्ग है वो बाइबल को नहीं मानता और गिरजाघर को भी नहीं मानता बाइबल को भी नहीं मानता वो प्रेसिडेंट बनेंगे पर राज्य सत्ता किसके हाथ में होगी जैसा प्रेसिडेंट होगा तो वो प्रधानमंत्री भी वैसा ही बैठा देंगे पर समेश्वर सरकार नहीं होगा लेकिन चलेगा नहीं यार भारतवर्ष में नास्तिकवाद नहीं चल सकता ज्यादा दूसरी मंत्र से बताया गया है कि तीन दादियों में सिर्फ गुलजार दादी को ही
पाप में चुनाते हैं क्योंकि उसमें सहनशीलता भरी हुई है और वो हम मेरा जीवन का साथी, संपूर्णता का साथी और जन्म का साथी भी बनेगी। इसका मतलब क्या है बाबा? पहले जन्म से आती है जीवन का साथी, सेवा का साथी और संपूर्णता का साथी और संपूर्णता का साथी। तो हद की गुलजार या बेहद की गुलजार? भगवान बेहद की गुलजार में ना, हद की गुलजार में हद का बाप प्रवेश करता है, बेहद की गुलजार में बेहद का बाप प्रवेश करता है। भगत कहाँ है? हद की गुलजार कौन है? ब्रह्मा बाबा प्रवेश, जिसमें ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा बाबा हद के बाप है कि बेहद के बाप है? तो ब्रह्मा कुमार कुमारियों के बाप है या 500 करोड़ के बाप? 500 करोड़ उनको अपना बाप स्वीकार कर देता है ब्रह्मा कुमार कुमार, वो तो हद का बाप हुआ ना। तो हद का बाप गुलजार दादी में प्रवेश करते हैं, हद की गुलजार दादी। और बेहद का बाप कौन है? आप समझ रहे आप है? ऐसे तो निरहंकारी बने बैठे और नीचे इसका क्या प्रूफ? आपके बाप बताओ, बेहद का बाप कौन? शिव, शिव बाबा है। तो जो शिव बाबा है वो कौन सी माला बनाता है? रुद्रमाला। तो रुद्रमाला को भी कोई मंगा होगा? हाँ, जिसके दिल दिमाग में वो प्रवेश करता है। अभी तो बताया गौमुख की बात, गौमुख के दिल और दिमाग में जब तक कृष्ण भगवान गीता का भगवान बैठा हुआ है तब तक पानी की गंगा बहेगी, और जब शिव भगवान गीता का भगवान बन जाएगा तो ज्ञान गंगा निकलती है। पत्थर बुद्धि से ज्ञान गंगा नहीं निकलती जो भगवान को नहीं पहचानती। पत्थर बुद्धि भी बदल करके पारद बुद्धि बने, जानवर बुद्धि से ज्ञान गंगा नहीं निकलती। भागीरथ ने पहली बार तपस्या कब की और दूसरी बार कब की, इसके बारे में थोड़ा साल, कौन से साल, साल से कितने साल से? भागीरथ ने पहली तपस्या तब की जब पहली बार मंथन किया, मनन चिंतन मंथन किया। आत्म की स्थिति में रहकर के ही मनन चिंतन मंथन होता है, तपस्या कहा जाता है आत्म की स्थिति में रहना। देवान का सुख होना भोगना माना देवान में रहना, आत्म की स्थिति में रहना माना देह का सुख नहीं है, तपस्या है वो। पहली बार की तपस्या। दूसरी बार की तपस्या कब हुई? 76 दूसरी बार की तपस्या तब हुई जब गंगा पृथ्वी पर पृथ्वीवासियों का कल्याण करने के लिए आ जाती है। अभी तो नहीं आई है, अभी भी तपस्या चालू होनी है। मैंने गंगा आने के बाद है, आने के पहले यानी गंगा आने की पहली तपस्या होगी, फिर गंगा आएगी, फिर कल्याण होगा। अरे पहले भी तो ब्रह्मा ने शरीर छोड़ा था, छोड़ा था ब्रह्मा ने जब शरीर छोड़ा तभी तो मनन चिंतन मंथन हुआ। ऐसे यहाँ भी महाकाली देवान में आकर के असुरों का संहार करती है कि आत्माभिमान में रहकर के असुरों का संहार करती है? आत्मा में ऊपर के श्रृंगार किया जाता है, विनाश किया जाता है। चंडिका देवी का भी पूजा होती है, चंडिका देवी किसको का है? चंडिका देवी का वो तामसी रूप है, सात्विक रूप जब बनेगा तब अच्छा कार्य करेगी।
द्वापर युग की आदि में जो वेद व्यास था उसका बच्चा ही था विक्रमादित्य राजा। द्वापर के आदि में कोई शास्त्र थोड़े ही बनते हैं। शास्त्र तो बनते हैं तब जब भीत चित्र बन जाते हैं पहाड़ों की गुफाओं में। अजंता एलोरा एलिफेंटा 2000 साल पहले बने, उन चित्रों को देख देख करके फिर बाद में शास्त्र बनाए। राजा विक्रमादित्य उसके पहले जगदम्बा माता चंद्रवंशी की मना रुद्रमाला ने 2 नंबर का ग्रुप का मुखिया है, लेकिन फिर भी उसको लास्ट नंबर का मन को बता देते हैं ना। एक तो वाक्य लास्ट मन का बताया। सब धर्मों में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन सा धर्म? और सब धर्मों में सबसे कमजोर धर्म कौन सा है? अरे कलयुग के अंत में पुरुष ज्यादा कमजोर पड़ते हैं कि माताएं ज्यादा कमजोर पड़ जाती हैं? माताएं कमजोर पड़ाते हैं। माताओं में सबसे बड़ी माता जगदम्बा, जो आया वो गलगला लेता है। तो उसी में बताया एक घोड़ा है, एक शेर है, एक बकरी है। तो कौन है बकरी? जिसके अंत में कंट्रोल में आ जाए बस उसी कंट्रोल में चल पड़े। तो अगर किसी ने कोर्स के पहले ही बात को सीडी पे देखना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कोर्स के पहले ही कोर्स देने के पहले ही बाप के चेहरे को सीडी में देखना चाहते हैं तो वो अंदर की आंख से देखेंगे या बाहर की आंख से देखेंगे? बाहर। भक्ति मार्ग का दर्शन करने वाला बनेगा या ज्ञानी तू आत्मा तीसरे नेत्र वाला बनेगा? क्या बनाना चाहते हैं? तो पहले बाप का परिचय पेपर बाप का परिचय तो देते हैं फिर भी कोर्स से पहले बुद्धि में बैठा नहीं होगा। जिसकी बुद्धि में बैठ जाएगा तीसरे नेत्र से बाप को देख लेंगे वो फिर आंखों से देखने के लिए तो उनसे जो कहोगे सो करेंगे। हर थोड़ा ही करेंगे कि हमको पहले चित्र दिखाओ। बाबा भक्ति मार्ग में तो दिखाते हैं कि सीता भी राम के पीछे पीछे ही वनवास जाती है, लेकिन यहाँ लक्ष्मी माँ राम को आदि में लक्ष्मी ने राम को फॉलो नहीं करती, क्यों हो गई? आदि में यज्ञ का आदि में लक्ष्मी राम को फॉलो नहीं करेगी, क्यों हो गई? नहीं करेगी कि नहीं किया? नहीं किया, नहीं किया, क्योंकि वो ब्रह्मा बाबा की बहन थी ना। क्या किसकी बहन थी? ब्रह्मा की बहन थी ना। कौन मम्मा? छोटी मम्मी। छोटी मम्मी गीता माता को। बड़ी मम्मी वो उसको भी ब्रह्मा का किस मुरली में, किस कैसेट में, किस किताब में, किस ज्ञानमत पत्रिका में ये बात आई? नहीं आई ना, मनमत की बात है। कोर्स देने में कैसे कोर्स ऐसे तो गलत बात है। मनमत का कोर्स क्यों देना? उसका प्रूफ और प्रमाण हो वो ही बात बताना। तो भक्ति मत में जो ज्ञान और ज्ञान मत में जो साक्षात्कार होगा उसका कारण करता कौन है बाबा? शिव बाबा कराते हैं या शिव बाबा परमधाम में बैठे बैठे? एक तो बाबा होता ही नहीं वहाँ, तो शिव बाप है वहाँ। संकल्प चलते हैं क्या? संकल्प ही नहीं चलते तो यहाँ नूर हो जाती है संगम युग में। जैसे जैसे पार्ट की नूर हो जाती है वो वहाँ टाइम पर प्रत्यक्ष हो जाता है के भावना और मन के। हाँ जी, हाँ जी, अपने अपने टाइम पर हर आत्मा को ऊपर से नीचे उतरना पड़ता है। कोई डायरेक्शन थोड़ी देता है धर्म पिता, तो ऊपर से नीचे आओ ये नीचे जाओ। पार तो भर गया है इस समय शूटिंग पीरियड में, उस टाइम पर प्रत्यक्ष हो जाता है।
ऐसे ही साक्षात्कार तुलसीदास को सूरदास को मीना को जब साक्षात्कार होने का पाठ था तब उनको साक्षात्कार हुए। ब्रह्मा बाबा को जब साक्षात्कार होने का पाठ था तब उनको साक्षात्कार हुए। ऐसे थोड़े ही कि भगवान ने कराया साक्षात्कार कहा जाता है। तो श्रीदर में अनेक राजा आते हैं तो वहाँ कोई झगड़ा नहीं होगा, एक राजा नहीं रहेगा। एक राजा नहीं रहेगा, अनेक राजा होंगे तो भी झगड़ा नहीं होगा, एक राजा के कंट्रोल में रहेंगे। सर एक महाराजा के नहीं, महाराजा नहीं, फिर भी होंगे सब राजा ही राजा, लेकिन फिर भी जो बड़ा राजा होगा उसका रिगार्ड रखेंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे आपस में। तो जो लोग अब 70 इयर्स से भी ज्यादा है और अभी अभी यज्ञ में आ गए हैं उनका भी कंचन काया बनती है क्या किसी जन्म? ये तो भक्ति मार्ग की बात है ना, कि भक्ति मार्ग के संस्कार रह जाएंगे तो शरीर छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो यदि भक्ति मार्ग के संस्कार खलास कर देंगे तो शरीर क्यों छोड़ना पड़ेगा? नहीं है क्या 47 से लेकर 69 तक, क्योंकि जब उसने पालड़ी सेवा केंद्र में गए थे तब वहाँ से सारा मुर्गिया उनको दिया गया कहते हैं। सारा मुर्गिया दिया गया, ये कहाँ का? 18 साल का मुर्गिया, 18 साल का मुर्गिया, ये तो फालतू सुनी सुनाई बातों के आधार बोलना शुरू कर दिया। 18 साल की मुर्गिया ब्रह्म कुमारियों के पास ही नहीं है उस समय बाबा। हाँ उस समय और किसी भी समय, और तो 5 साल का रिकॉर्ड उनके पास रह गया बस, सारा टोली दशा के खाकों की खत्म कर दिया। झूठी बात पता नहीं जाने कहाँ से ओढ़ने लगती है। बाबा मम्मा का ज्ञान में ना किताब है ना है, इसमें चपा हुआ है। क्या चपा हुआ है? देश भी चपा हुआ है। क्या चपा हुआ है? मुंडी। क्या चपा हुआ है? ज्ञान मीना। ज्ञान मीना में क्या चपा हुआ है? मम्मा का जो ज्ञान निकला था ना वो ज्ञान का मुरली। मम्मा के मुख से जो मुरली निकली थी उसको ज्ञान की मुरली कहेंगे? नहीं। फिर वो मम्मा के मुख से जो वाणी निकली उसको मुरली कहा जाएगा है। वो कैसे छपा हुआ था? क्या वो किताब मनुष्य गुरु ने छपाया? ज्ञान विज्ञान बाबा जी सब छपते थे क्या? 1942 में वो सेवकराम यज्ञ छोड़ा और कहा गया वो जलमरी, वो जलमरा ज्ञान से जलमरा। कौन जलमरा? राम ज्ञान से जलमरा। और इसलिए बॉम्ब वो हिरोशिमा में हिरोशिमा नागासाकी जल गए। हाँ जल गए, पर उसका असर हिरोशिमा में बॉम्ब डाला ऐसा बताया गया। पर इसका अंतराल 3 साल होता है। 42 में वो तो यज्ञ छोड़ा, पर 45 में ये बॉम्ब डाला। हाँ ये 3 साल का अंतराल क्यों हो गया? बीच डालने वाला डायरेक्शन देने वाला डायरेक्शन दे देता है, बाद में काम होता रहता है विनाश का। जो बीज बोने का काम था वो बीज बो दिया, विनाश वाला रुद्र ज्ञान एक गुण से प्रज्वलित हो गई तो वो अपना काम करती है, दूसरा विशुद्ध भी शुरू हो गया। टाइम लगे आग सुलगने में भी तो टाइम लगता है। सब मगरमच्छ के ऊपर गंगे की सवारी दिखाते हैं, वो कौन है मगरमच्छ? जो ज्ञान जल का सबसे बड़ा जानवर कौन सा है? ज्ञान जल में रहने वाला सबसे बड़ा जानवर कौन है? क्रोकोडाइल, मगरमच्छ और बाकी सब है छोटी छोटी मछलियां।
क्या? तो जो मगरमच्छ है वो सारी मछलियों को खा जाता है, तो यहाँ भी 16,000 को कब्जे में कौन कर लेता है? प्रजापिता वही मगरमच्छ है, गंगा सवारी करती है। मैं तो वाणी में बता दिया ना कि नदी सागर से मिली हुई है तो ज्ञान की नदी है, अतित पावनी है, और सागर से नहीं मिली हुई है तो नाला है। तो ये तो प्यार का सौदा है, चाहे देवी सिंह पर सवारी करने वाली बन जाए, चाहे वो गंगा देवी मगरमच्छ में सवारी करने वाली बन जाए, वो तभी बन सकती है। कब? है सागर से मिलकर के रहे। हिस्ट्री में देखा जाए तो भारत में अनेक राजा ऐसे हैं, पर राजाओं का माला सिर्फ 108 का है। राजाओं का माला तो सिर्फ 108 का माला है, लेकिन हिस्ट्री में बहुत सारे राजा हैं, उनको एक ही टाइम में हम देखते हैं हिस्ट्री में। एक ही टाइम में बहुत सारे राजा नहीं हो सकते? पर राजा का माला सिर्फ 108 है। अनेक राजा जो है वो भारतवर्ष में 108 नहीं हो सकते एक साथ, उससे भी ज्यादा है। कहाँ लाओ बिना छोटा मोटा सामंत राज्य से ना। सामंत राज्य वो तो अभी राजा ही नहीं है, वो तो नाम के राजा हो गए। राजा कहाँ रहे वो? प्रजातंत्र में कोई राजा रहा ही नहीं, टाइटल मिल गया उनको। प्रजातंत्र का नहीं, उसके पहले ना, उसके पहले 108 से ज्यादा नाम गिनाओ, अनुमान क्यों लगाना? बाबा वो 108 है ना, वो 108 सारे विश्व पर कंट्रोल करेंगे या सिर्फ भारत में ही राजा? सारे विश्व पर एक ही बार एक ही कंट्रोल करता है, और 108 सहयोगी बनते हैं। सारे विश्व में राजा ही कभी कोई पाता ही नहीं। ये तो संगम युग में ही लक्ष्मी नारायण सिर्फ 108 के सहयोग से सारे विश्व को कंट्रोल करते हैं, यथा राजा तथा प्रजा सब कंट्रोलर है। वो विश्व में कंट्रोल नहीं करेंगे क्या? वो द्वापर युग में, द्वापर युग में कलयुग में कोई कंट्रोल नहीं करता, वहाँ तो हिंसा का राज्य चलता है, वहाँ विश्व के ऊपर कंट्रोल हो ही नहीं सकता। योग बोलते विश्व की बात सही गाई हुई है कि हिंसा की बोलते गाई हुई है? तो ब्रह्मा का 1000 भुजाएं दिखाते हैं, ये सिर्फ सूर्यवंशी है क्या? है? ये सिर्फ सूर्यवंशी ही है क्या? क्यों चंद्रवंशी सहयोगी नहीं बनते हैं? और अन्य धर्म वाले नहीं, दूसरे धर्म वाले होते ही नहीं है, और वे 16,108 के में ही आते हैं ये 1000 भुजाएं, या उनके अलावा ये होंगे? 16,108 माला में ही 100 का आबादी आता है या अलग से वो आबादी है? 16,000 के साथ 108 जोड़े जाते हैं, लेकिन 1000 बुझाए हैं। हाँ जी, 16,000 माला में ही आने वाले हैं। क्यों? वो सहयोगी नहीं है? सहयोगी माना बुझा अलग माला या ईश्वरीय कार्य में जो सहयोगी बनते हैं वही तो माला में आवेंगे। ऐसे कौन से हैं, चाहे 8 की माला हो, चाहे 1,000 के हो, चाहे 1,000 भुजाएं हो, चाहे 16,000 हो, उनमें से ऐसी कौन सी माला जो बाप का सहयोगी नहीं बनती? कुछ न कुछ सहयोगी तो सभी बनते हैं, जो विशेष सहयोगी बनते हैं उनकी 1,000 दिखा दिया गया, आज ब्रह्मा की 1,000 भुजाएं। तो ऐसे थोड़े जो 16,000 में आएंगे ही नहीं, 16,000 की लिस्ट में वो भी होंगे। मैं समझ रहा हूँ आपके तन में शिव आकर मेरा साथ बात कर रहे हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं। एक मिनट, तो अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ मेरा पाप भस्म हो रहा है या नहीं? याद करने से पाप भस्म होता है,
बातचीत करने से भाग पाप भस्म नहीं होते, याद करेंगे तो पाप भस्म होंगे, और याद भी ऊंचे के ऊंचे को करेंगे, मैं आपसे कुछ नहीं होगा क्या? हाँ, सरस्वती नदी का पात्र किसका है? माँ जगदम्बा का या ओम दादा का? लेकिन सरस्वती बीच में आती है, बीच में चली जाती है, लोप हो जाती है, तो कौन सा पार्ट है? ओम राधे का पार्ट है, वो जगदम्बा बनती है, है? तो में ऐसा कोई नदी नहीं है, है? सरस्वती तुल में ऐसा नदी है, तो बीच में आकर बीच में चला जाता है ना, पहले यमुना निकलती है, बीच में सरस्वती निकलती है, बाद में गंगा निकलती है, तो बीच में हो गई ना वो गंगा यमुना है, यमुना और जो गंगा है उसके बीच में जो काले पानी और सफेद पानी के बीच में जो लाइन दिखाई पड़ती है उसी को सरस्वती नदी कहा जाता है। उस्तूल में इलाहाबाद में देख लो। और ब्रह्मपुत्र और ब्रह्मपुत्री, ब्रह्मपुत्र आबा कहते हैं दुनिया में उसको, ब्रह्मपुत्री नदी कहा जाता है, बाबा उसे कहते हैं ब्रह्मपुत्रा, का मतलब है कि कोई पहाड़ों की ऊंची ऊंची स्टेज में लगातार ऊंची स्टेज में बहने वाली है क्या, अपवित्रता की नीची स्टेज में नहीं आती, लंबे टाइम तक ऊंची स्टेज में बहती है, उसे कहा जाता है ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्री नहीं, भक्ति मार्ग में नाम दिया ब्रह्मपुत्री, जैसे भक्ति मार्ग में नाम दिया प्रजापति, बाबा कहते हैं प्रजापिता। द्वापर में भक्तों ने किसी चीज को भगवान से मांग रहे तो वो उनको मिलता था, मगर ये ज्ञान मार्ग में बाद में मिलता है, ज्ञान मार्ग में बताया है कि मैं इस जन्म की कोई प्राप्ति कराने नहीं आया हूँ, तुम आत्मा बनो, आत्मा का कनेक्शन इस जन्म से है या आगे पीछे के सभी जन्म से है? आगे सभी जन्म, सभी जन्मों से। और देह का कनेक्शन इस जन्म से, मैं इस देह की प्राप्ति कराने नहीं आया हूँ, मैं देह का बाप नहीं हूँ, पहले आत्मा बनो, फिर आत्मा का बाप याद आएगा, फिर उससे वर्षा प्राप्त हुआ, तो इसलिए इस जन्म की प्राप्ति कराने नहीं आया हुआ, बेहद का बाप बेहद की प्राप्ति कराते हैं, और आत्मा बेहद में है या हद में है? आत्मा बेहद 84 का चक्कर लगाती है, इसलिए इस जन्म की कोई प्राप्ति की आशा करना ईश्वरीय ज्ञान में हो कोई बात नहीं, हो सकती है प्राप्ति, अगर पूर्व जन्मों का कोई हिसाब किताब होगा तो इस जन्म में भी प्राप्ति हो सकती है, वो हमारा अपना कोई हिसाब किताब है जिसकी वजह से हमको कोई उपलब्धि हो जाए, बाकी ऐसे नहीं कहा जा सकता कि बाबा ने भगवान ने ये उपलब्धि करा दी, वो गुरु लोग वो उस जन्म के लिए बोलते हैं, आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं हमारा बीमारी क्योर हुआ, खत्म हो गया हमारा बीमारी सब कुछ, कोई का हो भी जाता है कोई का नहीं भी होता है, जिसका हो जाता है वो सारे झंडोरा पीटता है, मेरा ऐसा बीमारी ये गुरु ने ठीक किया। तो लक्ष्मी माँ बनती है ब्रह्मपुत्र, लक्ष्मी माँ को ब्रह्मपुत्र, हाँ जी हाँ जी, ब्रह्मपुत्रा निकलती है, ब्रह्मपुत्री नदी निकलती है, बताते हैं और मानसरोवर से, तुम हो ज्ञान मानसरोवर, वो मानसरोवर झील है हिमालय पहाड़ की बहुत ऊंची स्टेज में, उस ऊंची स्टेज में जो मानसरोवर झील है वहाँ हंस निवास करते हैं ऐसे कहा जाता है,
हंस माना ज्ञान रतन चुंगने वाले, ज्ञान का गंध खाने वाले नहीं। वो मानसरोवर से वो नदी निकलती है, जिसे कहते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। वो पहाड़ों पर ही ऊंची ऊंची स्टेज में बहती चली जाती है। जहां से निकलती है वहां ऊंचा पहाड़, और पूरब में जहां पहुंचती है वहां पहाड़ नीचा उतर चला जाता है। फिर वहां से मुड़ती है, फिर सागर में आती है, गंगा में मिलती है। पद्मासन में बैठना माना हठयोगी या सन्यासी कहते हैं, पर त्रिमूर्ति चित्र में शंकर जी को भी ऐसे दिखाते हैं, इसे क्यों? वो तो इसलिए दिखाया है कि वो स्ट्रिक्ट बैठा हुआ है। बाबा के जो भी महावाक्य हैं उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना और फॉलो कराना। और ब्रह्मा बाबा उतने स्ट्रिक्ट नहीं कहते। ब्रह्मा बाबा सामने बच्चे आते थे मुरली में, रोज पढ़ के सुनाया, रोज सुनाया जा रहा है। शादी बर्बादी, मकान नहीं बनाना है, प्रॉपर्टी नहीं बनानी है। बच्चे आगे रोते थे, बाबा बहुत परेशानी है, बहुत तकलीफ है, हम बीमार हो रहे हैं, हम बूढ़े हो रहे हैं, ये है वो है। बाबा उन्हें परमिशन दे देते थे। तो वह लूज बैठक से दिखाया गया है कि ये लूज है और ये स्थित है। गंगा कहाँ से आती है? स्वभाव संस्कार को कैसे दिखाया गया? वो शरीर की बैठक से दिखाया गया है। गंगा कहाँ से आती है? माना सूर्य वंश से या चंद्र वंश से? गंगा गौमुख से आती है, लेकिन जानवर गौमुख से नहीं आती है। और जब मानवीय मुख बन जाए तो उससे गंगा आती है। तो गौ जो है वो चंद्रवंश है या सूर्यवंश है? गौ क्या है? वो कौन सा वंश है? सूर्यवंश। गौ सीधी शादी होती है कि तीखी होती है? लक्ष्मी माता चंद्रवंशी से आती है। पहले हर चीज का बीज कहाँ है? शुरुआत कहाँ से है? जो लक्ष्मी है, पार्वती है, वो हिमालय की पुत्री है कि पुत्रा है? है? ब्रह्मा की पुत्री है कि पुत्रा है? पुत्री है। तो शास्त्र में गाया हुआ है हिमालय की पुत्री, हिमालय राज की पुत्री। गौमुख दिखाया गया है वो अलग बात है। गौ तो सब कामनाओं की पूर्ति करने वाली है, धन की पूर्ति करने वाली सिर्फ लक्ष्मी दिखाते हैं। तो दुनिया का कल्याण काय से होगा? हर कामना की पूर्ति करने से होगा या ज्ञान से होगा? ज्ञान। तो ज्ञान की पूर्ति लक्ष्मी करती है। हर प्रकार की कामना की पूर्ति, वो अच्छी बात है खराब बात है? हर काम हर तरह की कामना की पूर्ति करे, वो अच्छी बात है खराब बात है? ज्ञान से होती है गति सदगति। क्या? ज्ञान से गति सदगति होती है, उसकी पूर्ति, ज्ञान रत्नों की पूर्ति लक्ष्मी करती है। हद के रत्न देती है कि बेहद के? बेहद के ज्ञान रत्न बांटती है। और सब कामनाओं की पूर्ति जगदम्बा के पास जाते हैं। जगदम्बा के भगत असुर होते हैं या देवता होते हैं? असुर होते हैं। इसलिए मनुष्य जीवन का लक्ष्य नारी से जगदम्बा बनना नहीं बताया। क्या बताया? नारी से लक्ष्मी बनना है। अगर बाबा का सरोज संबंध में कोई संबंध का अनुभूति में कमी हो जाए तो वो संबंध के लिए जन्म जन्मांतर तड़पना पड़ेगा। क्या रहेंगे माना ऐसे जन्म अगले जन्म में ऐसा संबंध ही नहीं जोड़ सकते हैं बाबा? किसी के जहाँ तड़पन होती है वो तो सत्य उत्रेता में तो होती नहीं। तो द्वापर कलयुग की बात है,
बाबा हम तो शिव बाबा को एक ही समान में देखते हैं बाप है? या और सब समान में पर बच्चा नहीं बनाया है? नहीं बनाते है? लेकिन हमने तो बनाया हमेशा हम कोई कोई तो बच्चा के रूप में भी देखते हैं पर कोई कोई सिर्फ बाप के रूप में देखते लेकिन बाबा ने बोला है ऐसा जिस संबंध की कमी रह जाएगी यहाँ बाप से जिस संबंध की अनुभूति में कमी रह जाएगी उसके लिए तड़पते रहेंगे तो दूसरे संबंध पूर्ति नहीं होगी माने मनुष्य जो है वो संबंध की पूर्ति नहीं कर पाएंगे और दूसरी मनुष्य आत्मा है बाप से जिन्होंने जो संबंध यहाँ सूट कर लिया वो संबंध के लिए उन्हें भरपूर हो जाएंगे प्रसन्न हो जाएंगे किसी के साथ सर किसी साथ क्यों नहीं बाप शूटिंग किसके साथ की यहाँ तो बाप के साथ मनसा से शूटिंग होती है ना तो बाप के साथ शूटिंग की हाँ। तो जिसके साथ शूटिंग की उसके साथ शूटिंग हो गई वो उससे भरपूर हो जाएंगे के साथ वहाँ भी जन्म वहाँ भी जन्म होगा तो भरपूर हो जाएंगे नहीं तो अच्छा सारी दुनिया संबंधों में परिपूर्ण कहाँ होती है संबंधों के लिए प्यासे रहते हैं या भरपूर हो जाते हैं प्यासे रहते हैं तब तो एक छोर दूसरा दूसरा छोर तीसरा संबंध बनाते हैं भरपूर होते रहे तो फिर भटकने की क्या दरकार के बाद हम शंकर को पहचाना पहले 1942 के पहले वो शिवलिंग था शिवलिंग दो लोग शिवलिंग को बक्के मार्ग में पूजा करते थे अब उसका उनका हाल अब क्या होता है ये कैसे कह दिया उस समय शिवलिंग था 42 से पहले विक्रमादित्य नहीं थे 42 से पहले द्वापर क्या 42 में द्वापर था द्वापर के बाद द्वापर और 42 से क्या कनेक्शन अच्छा बाबा ऐसे बोला अच्छा पैतरा बोला 42 क्या पहले शिवलिंग था नहीं 42 से पहले शिवलिंग नहीं था शिवलिंग प्रवेश नहीं करता 42 से पहले शिव नहीं प्रवेश करता था शिवलिंग प्रवेश करता था शिवलिंग का बात कर रहा हूँ अब बिना लिंग के शिव प्रवेश किसमें करेगा शंकर ही तो लिंग है शिव का प्रवेश आखिर किसी शरीर में ही होगा ना वो अब हमको मालूम पड़ा वो तो आपको भले मालूम पड़ा बच्चा छोटा होता है तो ये थोड़े जानता हमारा बाप कौन है नहीं। जब बड़ा होता है तो मालूम पड़ता है तो ऐसे ही ये सब छोटे छोटे बच्चे रहे अभी तक उनको पता ही नहीं है ज्ञान गर्भ में पलते रहे अम्मा के पेट में पलने वाले बच्चे रहे सब अब बाहर आ गए अब बड़े हो गए तो समझ रहे हैं उस समय समझने की बात ही नहीं थी 42 में उस समय तो बीजारोपण का टाइम था 1936 से 1942 तक वो बच्चे थोड़े जानेंगे क्या बीजारोपण क्या होता है कब होता है क्या मेरा जन्म भी 1942 में हो गया है हाँ बिल्कुल क्या आप भी 1942 बिल्कुल बिल्कुल क्या हम पिछले जन्म में हम बिल्कुल बिल्कुल अरे ये कैसे हो सकता है साथ में रहे और यहाँ साथ हो जाए जो आदि में तो अंत में है ठीक है बाबा जो सिंध हैदराबाद में 9 लाख आबादी थी वही आत्माएं इधर ज्ञान में आए हैं जो बीज रूप आत्माएं हैं वो सृष्टि के आदि में पक्की पूर्वी सभ्यता वाली बन जाती है माना पक्की श्रीमत पर चलने वाली बन जाती है क्या और वो ही कलयुग के अंत में पूरी पश्चिमी सभ्यता को फॉलो कर लेती है इसलिए जो आदि में पूरब में थी वो अंत में पश्चिम में पहुंच जाती है चक्कर पूरा हुआ वही लोग 9 लाख में आएंगे है वही जो थे जो आदि में थे 9 लाख वो ही अंत में 9 लाख होंगे सिंध हैदराबाद के आत्मा हाँ बाबा वही आत्मा है
अलग है तुम्हें संदेश लिया साक्षात्कार होते थे धड़ाधड़ धड़ाधड़ लोगों को ये अनुभव होने लगा कि भगवान आ गया संदेश लिया सत्संग में बताया जाता है अब ये दुनिया खराब होने वाली है नई दुनिया आने वाली है दादा लेखराज का पाठ ब्रह्मा का है नई दुनिया में ये कृष्ण बनेगा वैकुंठ आने वाला है तो संदेश मिल गया ना पूरा हाँ बाद में उन भीत चित्रों को देख करके शास्त्र बने पहले चित्रों चित्रकारों ने चित्रकारी तैयार की चित्र तैयार किए उन चित्रकारों की चित्रकला से फिर शास्त्र बने बिना लाइट के वो गुहा में काला काला जगह में मसाला नहीं होता है जिससे रोशनी रोशनी हो जाती है ये जुगनू होता है ये कौन सी मिट्टी उसके पास होती है जिससे रोशनी देता है ऐसे करके उनका इस्तेमाल करते तो मिट्टी तो होती है रेडियम बाबा शास्त्रकारों ने चित्र देख कर शास्त्र बनाया मगर बहुत शास्त्रकारों ने गलत भी शास्त्र लिखा वो बाद में इंटरप्रिटेशन बाद में गलत कर दिए पहले वो शास्त्र सच्चे थे उनको सच्चाई थी सत्वप्रधान पहले हर चीज सत्वप्रधान होती है शास्त्र भी पहले सत्वप्रधान थे जैसे जैसे मनुष्य विकारी बनता गया बुद्धि विकारी होती गई तो शास्त्र भी शांति बन गए मगर वो सभी चित्र अभी भी सच्चा है क्या वो बिगड़ गए उनका रूप बदल गया है बहुत उनको उनका परिष्कार किया गया है लेकिन फिर बात तो बदल जाती है ना ओरिजिनलिटी तो खत्म हो गई ना और ओरिजिनलिटी हो भी तो इतनी परिष्कृत बुद्धि कहाँ से आएगी निर्विकारी जो द्वापर युग आदि में निर्विकारी स्टेज थी जो उसके सही अर्थ को समझ सके बाबा वो शंकर सिंगल बाप समान माना विष्णु बनता है तब होगा बाप विष्णु होता है नहीं बाबा बाप समान माने निराकार निर्विकार निरहंकारी हाँ शिव बाप निराकारी है निर्विकारी है निरहंकारी है निराकारी माने कोई संकल्प नहीं असोचता पाना था सो पा लिया फिर उसके बाद कुछ सोचने की दरकार नहीं जो पार्ट है वो सारा जान लिया ये है पार्ट मेरा फिर सोचने की क्या दरकार रह जाएगी नहीं तो शिव समान हो गया शिव इस धरती पर आता है तो कुछ सोच सोच के काम करता है क्या नहीं सोच सोच के बोलता है क्या नहीं असोचता है इसलिए निराकारी स्टेज है निराकारी होगा तो निर्विकारी होगा इंद्रियों में विकार नहीं रहेगा वो इंद्रियां दुख देने का काम नहीं करेंगी अरे अहंकार नहीं होगा किसी तरह का माना बाप समान कब होगा बाबा वो शंकर बाप समान होगा तो वर्षा देगा वर्षा मनुष्य बाप ही देगा या भगवान देगा मनुष्यों को मनुष्य से वर्षा मिलेगा या भगवान से मिलेगा भगवान डॉक्टरों को डॉक्टर बनाएगा डॉक्टर वकीलों को वकील बनाएगा या इंजीनियर को इंजीनियर बनाएगा कोई दूसरा बनाएगा तो राजाओं को राजा कौन बनाएगा महाराजा तो ये को डाउट आ गया
ब्रह्मा बाबा ने सेवक राम को बहनों ही समझ बैठा था ना बाबा, समझ बैठा था हाँ, तो बहनों ही था समझ बैठा था नहीं आई था बाबा, लेकिन उसका दीदी राधा बच्चे अपने कहते हैं बहन ये तो आपकी आपने अपनी बुद्धि में जबरदस्ती बैठा रखा है किसी से सुने सुनाए या मन मत है, लेकिन ऐसा कहीं बोला तो नहीं गया कि गीता माता उनकी बहन थी? तो फिर भी उसके बहन को बताने के पहले गीता माता को वो साक्षात्कार के बारे में क्यों बताया? गीता माता के आज कुछ संबंध रहा होगा, कोई नजदीकी संबंध ही होगा, बहन का संबंध के बदले और है बहन नहीं लेकिन और संबंध हाँ कोई भी संबंध रहा होगा, नजदीकी होगा तो नजदीक जाएगा, नजदीकी नहीं होगा तो नजदीक क्यों जाएगा? हाँ अपन को गीता का भगवान समझेगा, गीता पति भगवान समझेगा तो किसके पास जाएगा, किसके पास जाएगा? गीता पति गीता के पास जाएगा है? गीता जिस गीता के ऊपर कृष्ण के जिस गीता के दिल पर कृष्ण की छाप होगी तो कृष्ण की आत्मा उसके पास जाएगी, अगर छाप नहीं होगी तो जाएगा क्यों?